चाइनीज बैम्बू मैगी बिरयानी। एक गांव में चंदन दास नाम का एक जमींदार रहता था। उसे खाने का बहुत शौक था। वो हर रोज नए नए व्यंजन बनाने को कहता और उन्हें बड़े मजे से खाता। इसी तरह वो गांव में अलग अलग व्यंजन बनाने का मुकाबला का आयोजन कराता था। जो उस मुकाबले में जीतता उसे 2 लाख रुपए का इनाम मिलता था। उसी गांव में नकुल नाम का व्यक्ति सड़क के पास ठेले में चिकन बिरयानी बनाकर बेचता था। इस तरह उसकी जो थोड़ी बहुत कमाई होती थी उसी में वो अपनी पत्नी शिल्पा और बेटी लल्ली के साथ गुजारा करता था। एक दिन उसे बासमती राइस सप्लाई करने वाला हीरा लाल उसके पास आया और अरे क्यों नकुल भाई, धंधा अच्छा चल रहा है ना? तुम जानते हो तुम्हारी बिरयानी इतनी मशहूर क्यों है? क्योंकि मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया बासमती चावल देता हूँ, इसीलिए अपने मुनाफे में 30% तुम आज से मुझे दिया करो, क्यों? ठीक है ना? नकुल क्या बात कर रहे हो भैया, जो मुझे मुनाफा मिलता है वही 30% है। अगर वो भी मैंने आपको दे दिया तो मेरे परिवार और मेरा गुजारा कैसे होगा? वैसे भी आप मुझे चावल मुफ्त में तो देते नहीं, मैं आपको पैसे देकर ही खरीदता हूँ ना, तो मैं आपको हिस्सा क्यों दूं मुनाफे में? तब हीरा लाल, तुम भूल गए मैं कौन हूँ? मैं इस गांव के एसआई का बड़ा भाई हूँ। अगर तुमने मुझसे पंगा लिया, इस गांव में तुम्हें बासमती चावल कोई नहीं देने वाला, तो फिर तुम बिरयानी बना नहीं सकते, सोच लो। उस दिन से नकुल किसी भी दुकान पर जाता तो कोई भी उसे बिरयानी का चावल नहीं बेचता। एक दिन उसकी पत्नी शिल्पा, सुनो जी, बेटी को बुखार आया है तो मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर साहब ने इसे जांचा और कहा कि इसके पेट का ऑपरेशन करना होगा। कह रहे थे कि इसके लिए 2 लाख रुपए खर्च होंगे। मेरे तो हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, कहकर रोने लगी। तब नकुल, हे भगवान, पहले ही धंधा खराब है और घर चलाना मुश्किल हो रहा है, ऊपर से इतनी बड़ी समस्या, हम क्या करें भगवान, जाएं तो जाएं कहां? अगले दिन चंदन दास ने गांव वालों को जमा किया और गांव वालों, आप सब तो जानते ही हैं कि हर साल अपने गांव में पकवानों का मुकाबला का आयोजन करता हूं मैं, लेकिन इस साल उन पकवानों के मुकाबले में एक खासियत है, वो ये है कि इस साल बिरयानी का मुकाबला होगा। आप में से जो कोई थोड़े से समय में बहुत बढ़िया बिरयानी बनाएंगे उन्हें 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। याद रखें, इस बार समय का हिसाब होगा। तब भीड़ में एक व्यक्ति दूसरे से, लगता है ये पगला गया है, कहता है बिरयानी बनाओ और कहता है जल्दी बनाओ, ऊपर से कहता है स्वादिष्ट होना चाहिए, अब तुम ही बताओ ये कैसे होगा, लगता है इस बार कोई नहीं जीतेगा। ये सब वहीं खड़े नकुल ने सुना। घर जाकर नकुल ने अपनी पत्नी शिल्पा को सब कुछ बताया और फिर, सुनो, हमारी बेटी को बचाने का यही एक रास्ता है, किसी भी तरह इस बिरयानी के मुकाबले में मुझे जीतना ही होगा। तब शिल्पा, लेकिन गांव भर में हमें बासमती चावल तो कोई बेचने से रहा, और पड़ोसी गांव से बासमती चावल लाने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ हैं, और ऊपर से दम बिरयानी बनाने के लिए आप काफी समय लेते हैं, तो आप इस मुकाबले में जीतेंगे कैसे? तब नकुल, मुझे एक उपाय सुझा है, देखते हैं, अगर ऊपर वाले की दया रही तो ये मुकाबला मैं ही जीतूंगा। मुकाबले वाले दिन भाग लेने वाले बड़े बड़े हांडी लेकर एकदम तैयार खड़े थे। नकुल ने बांस का एक चूल्हा बनाया, उस चूल्हे के चारों ओर उसने बांस का घेरा बनाया। वहीं पास में बहुत सारे मैगी के पैकेट्स थे। चंदन दास ने कहा, शुरू करो। सब ने बिरयानी बनाना शुरू किया। नकुल बांस को मैगी नूडल्स चिकन मसाले के साथ भरने लगा, फिर उसे चूल्हे पर रखा। पांच मिनट बाद नकुल, सर बिरयानी तैयार है, ऐसा कहा चंदन दास हैरान होकर। अरे ये क्या, अभी मुकाबला शुरू हुए 5 मिनट हुए हैं और तुम कहते हो कि बिरयानी तैयार है? तब नकुल, सर ये चाइनीज स्टाइल का बैम्बू मैगी नूडल्स बिरयानी है सर, ये सुपर फास्ट बन जाता है, क्योंकि इसे बांस से बनाया है तो इसका जायका भी अलग है सर, आप जरा खाकर तो देखिए। नकुल ने एक बांस के अंदर से मैगी चिकन बिरयानी को एक प्लेट में डाला।
उसने वो प्लेट चंदन दास को दिया। चंदन दास ने स्वाद चखा और फिर, भाई कमाल है ये मैगी चिकन बिरयानी, मजेदार है। 5 मिनट में इतना स्वादिष्ट बिरयानी बनाया, ये तो भाई अद्भुत है। ये कोई साधारण बात नहीं है, और क्योंकि तुमने इसे बांस में बनाया है, ये सेहत के लिए भी बहुत बढ़िया है। इस साल के इस मुकाबले में तुम ही विजेता हो। सब ने ताली बजाई। चंदन दास ने नकुल को 5 लाख रुपए का इनाम दिया। उन पैसों से नकुल ने अपनी बेटी का इलाज कराया। बाकी बचे हुए पैसों से उसने एक होटल खोला और उसमें चाइनीज बैम्बू मैगी बिरयानी बनाने लगा। लोग आकर उसका बैम्बू बिरयानी खाकर खूब आनंद लेने लगे। इस तरह वो बहुत पैसे कमाने लगा। एक दिन नकुल एक बांस का टुकड़ा लेकर हीरा लाल के पास गया। नकुल, ये लीजिए सर, आपके लिए खास मैंने वेज मैगी बिरयानी बनाया है। आपके चावल बेचने को बंद करने की वजह से ही मेरे दिमाग में ये आइडिया आया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद कहने आया हूँ। और हाँ, मुझे सीधा कंपनी से ही मैगी पैकेट्स का सप्लाई होता है, इसलिए आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हीरा लाल, इसे ही कहते हैं पासा पलटना, ऐसा कहा। जादुई मटन चिकन। एक गांव में भूषण कहकर एक घमंडी किसान रहता था। उनके पास 50 एकड़ का खेत था, फिर भी उससे वो संतुष्ट नहीं रहता था। उसका खेत के बगल में 2 एकड़ का खेत को भी हड़प लेने के लिए देखता रहता था। वो खेत जयराम नाम का एक गरीब किसान का था। भूषण तो जयराम खेत के लिए जाने वाले पानी को उनका खेत में आए जैसा करता था। सरकार ने मुफ्त में दिए हुए उर्वरक और बीजों को जयराम को नहीं मिले जैसे करके वो खुद लेता था। एक दिन जयराम भूषण से, मालिक आप तो बड़े आदमी हो, आपके जैसे मेरे पास ट्रैक्टर और मोटर नहीं है, संपत्ति और पैसे भी नहीं है। मैं और मेरे परिवार केवल इस 2 एकड़ का खेत पर आधारित है। अब आप मेरे खेत में फसल नहीं आए बिना कर रहे हैं, ये तो बहुत नाइंसाफी है, कहा। तब भूषण, अगर मेरे बात नहीं सुनोगे तो क्या होगा आप तुम्हें समझ में आ गया ना? तुम्हारा खेत मुझे देने के लिए कई बार पूछा, तुम तो मानते ही नहीं। छोटे छोटे नहर भी जाकर महानदी में मिलते हैं, वे अपने आप समुन्द्र में जाकर मिलना है तो मुमकिन नहीं होगा। अब भी वक्त है, तुम्हारे खेत मेरे खेत में मिला दो, तुम्हें 1 लाख दूंगा। वैसे ही तुम्हें मेरे खेत में कूले जैसा काम भी देता हूँ, ठीक है ना, कहा। तब जयराम, 20 लाख का मूल्य इस खेत को आप 1 लाख में देने के लिए कह रहे हैं तो कैसा होगा? और मेरे ही खेत में मुझे कूली जैसा काम करने के लिए कह रहे हैं, मैं तो मर ही जाऊंगा लेकिन वो काम कभी भी नहीं करूंगा, कहा। तब भूषण, फिर तो तुम्हारे मर्जी से करो, मेरे अलावा तुम इस खेत और किसी को नहीं बेच पाओगे, इसमें 1 बीज भी नहीं उगा पाओगे, अब से तुम लोग भूख से मिटकर मर जाओगे, कहा। भूषण के खेत में अच्छे से फसल उगने लगे, लेकिन जयराम का खेत तो सूख गया। एक दिन जयराम बगल वाले गांव से जंगल के रास्ते से आ रहा था। इतने में जयराम को मानवा मानवा कहकर आवाज सुनाई दिया। जयराम जाकर देखा तो एक बकरी और मुर्गी एक पिंजरे में बंद हुए थे। जयराम हैरान से उनके पास गया और, जयराम अब जो बात किया वो तुम ही हो क्या, पूछा। तब बकरी, हाँ मानव, मैं एक जादुई बकरी हूँ, ये जादुई मुर्गी है। हम इंद्रलोक से अकस्मत आकर इस भूलोक में गिर गए हैं। एक मांत्रिक ने हमें इस पिंजरे में बंदी कर दिया। सूर्यास्त के बाद आकर वे हमें खा जाएगा, इसलिए हमें आजाद करके हमारी जान बचाओ मानव, बोली। जयराम तुरंत उस पिंजरे को उठाकर उनको आजाद कर दिया। तब मुर्गी, बहुत बहुत धन्यवाद मानव, हमें बचाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए वरदान मांगो, बोली। तब जयराम, एक छोटा सा पिंजरे से खुद को नहीं बचा पाए हैं, आप मुझे क्या वरदान दे सकते हैं, बोलिए। आप अपने लोक में जाकर खुशी से रहिए, वही खुशी है मेरे लिए, कहा। तुरंत वे दोनों एक जेंट बकरी और एक जेंट मुर्गी जैसे बदल गए, और मुर्गी का सर बकरी को और बकरी का सर मुर्गी को आए। वो देख कर जयराम हैरान रह गया। तब मुर्गी सर वाला बकरी,
तुम्हारा हालत हमें समझ में आ गया है मानव, अब तुम निश्चिंत होकर घर जाओ, बाकी के बारे में हम देखते हैं। बोली। अगले दिन वो मुर्गी सर वाला बकरी गांव में आई। उसे देखकर लोग डर के मारे भागने लगे। वो मुर्गी सर वाला बकरी सीधा भूषण के अनाज रखने वाले जगह में गई। उसे देखकर भूषण डर गया। वो मुर्गी बकरी उन अनाज के थैलियों को निगलने लगी। सारे थैलियों को यूं ही निगल गई। इतने में बकरी सर वाला मुर्गी भूषण के खेत में जाकर उधर फसल को खाने लगी। ऐसे वो सारा फसल को खा लिया। गांव के लोग ये अजीब घटना के बारे में बात करने लगे। ऐसा भूषण के खेत में जब भी फसल आता था तब बकरी सर वाला मुर्गी आकर सब कुछ खाने लगी। बकरी सर वाला मुर्गी उनके पैसों का नोटों को भी खाने लगी। एक दिन भूषण जयराम के पास आकर, जयराम तुम्हें मुश्किल पहुंचाने के लिए भगवान ने मुझे सही सजा दिया है। वो माया जानवर क्या है पता नहीं है, केवल मेरे ऊपर ही बदला रखकर मुझे सड़क पर खींच लिए। अब मेरे खेत को खरीदने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहे हैं, इसलिए तुम ही मेरा 50 एकड़ में खेती बाड़ी करके मुझे उसमें थोड़ा पैसा दोगे तो मेरा परिवार का देखभाल कर सकता हूँ। कृपया करके ना मत कहो। कहकर उनका हाथ पकड़ा। ऐसे जयराम भूषण का खेत लेकर खेती बाड़ी करने लगा। जयराम उस माया बकरी और माया मुर्गी को प्रणाम किया। तब वे आसमान में चले गए।